आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल अमृतसरी पनीर भुर्जी। एक बॉल में हम 200 ग्राम दही लेंगे, उसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। लाल मिर्ची पाउडर अपने मर्जी के हिसाब कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर डालेंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स किया हुआ मसाला साइड में रखेंगे। हम एक बर्तन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, उसमें 1.5 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। ये हमने छना हुआ बेसन लिया है। बेसन डालकर बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे। बेसन को हमें धीमी आंच पर भूनना है। बेसन भूनकर हो गया, 1 बड़ी प्याज चॉप में कटी डालेंगे और प्याज नरम होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें ज़रूरत के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे और भून लेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। 1 बड़ा टमाटर बीज निकाल कर चॉप में कटा हुआ डालेंगे और फिर से अच्छी तरह सब चीज़ों को चम्मच से हिलाकर मिक्स करेंगे। ये मसाला तैयार किया है वो हैंड बीटर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तैयार किया हुआ दही और मसाले का मिक्सचर डालेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, फिर से 1 बार मिक्स करेंगे। अब मीडियम आंच पर हम मसाला रखेंगे तेल ऊपर आने तक। हमने 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को फोर्क की मदद से मैश करेंगे। मैश किया हुआ पनीर ग्रेवी में डालेंगे। पनीर और मसाला चम्मच से हिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पनीर डालने के बाद हम धीमी आंच पर 5 मिनट पकाएंगे। इसमें बारीक कटा हुआ 1/2 प्याली हरा धनिया डालेंगे और मिक्स करेंगे। ये मज़ेदार सी अमृतसरी पनीर भुर्जी बनकर तैयार हो गई। ऊपर से हम मक्खन डालकर नान या रोटी के साथ सर्व करेंगे। अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी ज़रूर देखिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। पनीर भुर्जी की रेसिपी अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। होम शेफ चैनल को पहली बार देख रहे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।